सिंधीज़ का ये फेमस स्नैक ना इतना डिलिशियस है कि मैं क्या बताऊँ। सिंपल आलू से बनता, बहुत इजी तरीके से आप इसे बना सकते हो और क्रिस्पी क्रंची अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, बहुत ही अमेजिंग लगता है। और इसके टेस्ट को और इन्हांस करने के लिए हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे जिससे ये और भी ज़्यादा अमेजिंग और चटपटा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सिंधीज़ का ये फेमस आलू टुक कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमें आलूओं को छील लेना है और इसके बाद इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे। आप यहाँ छोटे बड़े किसी भी साइज़ के आलू को यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल आपकी चॉइस है। छोटे साइज़ के लेंगे तो कम पीसेस निकलेंगे एक आलू में से, और बड़े साइज़ के लेंगे थोड़े ज़्यादा पीसेस निकलेंगे। अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। सारी गंदगी निकल जाने के बाद आलूओं को निकाल लीजिए और ये देखिए पानी कितना गंदा था, मतलब आलू बहुत अच्छे से क्लीन हो गया हमारे। और इसके बाद यहाँ पे मैं आलू को अच्छे से ड्राई कर लूँगी, तो एक किचन टॉवल की हेल्प से अच्छे से इसे पोंछते हुए मैं सारे आलू को सुखा लूँगी। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो वो ऊपर आएगा छटकेगा, जो हमें नहीं चाहिए। अच्छे से ये पुछ जाए, क्लीन हो जाए, सारा पानी ड्राई ऑफ हो जाए, इसके बाद हम इसे चॉप करेंगे। तो एक आलू लिया है मैंने और इसकी एक से डेढ़ इंच जितनी मोटाई लेके इसे हमें कट करना है। रफली ऐसे मोटे मोटे चंक्स में हमें इसे कट कर लेना है। ऐसे ही हमें सारे आलूओं को चॉप कर लेंगे। बहुत पतले पीसेस मत रखिएगा, थोड़े मोटे ही रखिएगा। इसके बाद हमें इसे डीप फ्राई करना है, तो मीडियम फ्लेम पे इसे लगभग 80-85% कुक होने तक हमें पका लेना है। हल्का इसमें गोल्डन कलर भी आ जाना चाहिए, जैसे मैं स्क्रीन पे दिख रहा है अभी आपको। ये हल्का सा पक भी गया है, मतलब 80-85% तक। ये देखिए मैं नाइफ डाल के दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छे से पक भी गया और इसमें हल्का गोल्डन कलर भी आया है। तो बस इस स्टेज पे इन आलूओं को हम निकाल लेंगे ऑयल से बाहर। और इसके बाद हमें जो मेन स्टेप है वो है आलूओं को प्रेस करके थोड़ा फ्लैट करना, और बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेशर दीजिएगा। आलू बिखरने नहीं चाहिए, बस ये एक साथ जॉइंट रहने चाहिए, लेकिन थोड़े फ्लैट हो जाने चाहिए कुछ ऐसे। ऐसे ही सारे आलूओं को हम फ्लैट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा बहुत ज़्यादा प्रेशर आप इस पे देंगे तो ये बिल्कुल ही बिखर जाएंगे, तो आप इसे फ्राई नहीं कर पाएंगे। हल्के हाथों से प्रेशर दीजिएगा और इसे फ्लैट कर लीजिएगा। ऐसे ही सारे आलूओं को यहाँ मैंने कर लिया है, तो इसे हम हमें रेस्ट होने देना है। लगभग 5 मिनट हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। आपके पास टाइम है तो आप 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। इस बीच हम एक मसाला प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है रेड चिली पाउडर, नमक, हल्दी पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, गर्म मसाला, थोड़ा सा चाट मसाला और काला नमक। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये चटपटा सा मसाला हमारी आलू टुक के लिए बनके बिल्कुल तैयार है। और यहाँ 5 मिनट इसे रेस्ट होते हुए भी हो गया है, तो बस बिल्कुल तेज़ अच्छे से गरम तेल में हम इसे मीडियम हाई फ्लेम पे दोबारा फ्राई कर लेंगे, जब तक कि बिल्कुल गोल्डन और क्रिस्पी नहीं हो जाते ऊपर से। ये देखिए कुछ ऐसे बिल्कुल अच्छे से क्रिस्पी हो जाने चाहिए, अच्छा कलर आ जाना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से पक जाने चाहिए, तब तक हमें इन्हें फ्राई करना है। बिल्कुल हाई फ्लेम पर फ्राई करिएगा। और यहाँ मैंने सारे आलूओं को निकाल लिया, ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल देती हूँ और जो हमने मसाला बनाया था ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ। साथ में स्प्रिंकल कर रही हूँ थोड़ा सा नींबू का जूस, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए हमारा डिलिशियस आलू टुक सिंधी स्पेशल स्नैक बन के रेडी। आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, अपनी किसी भी डिश के साइड में लेके खा सकते हैं, और ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।